पंखा साफ करते हुए फिसला पैर, गिरी बीवी हुई मौत। ठीक है लिखा है, स्विच बोर्ड पर गीला कपड़ा मारते हुए लगा करंट। बेबी ये बोर्ड पे जरा हाथ मार दियो, गंदा हो रहा है। अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि मैं स्विच बोर्ड जाकर साफ करूं और मुझे झटका लगे और मैं मर जाऊं, है ना, ताकि तुम दूसरी ले आओ। मैं पागल हूँ ना जो एक और मुसीबत घर पे लेकर आऊंगा? ये मिलना होगा तो बाहर नहीं चले जाऊंगा। इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलने वाला है तुम्हें मुझसे। ये नहीं कि संडे का दिन है, बीवी की थोड़ी सी हेल्प करवाए, दिवाली आ रही है, सफाई करवाए, बैठे न्यूज़पेपर पढ़ने। तुझे पता है महाभारत के टाइम भी ना गांधारी अपना महल खुद साफ करती थी। गांधारी का पति अंधा था। तुम अंधे हो, चलो उठो मेरी हेल्प करवाओ। ये लो झाड़ू और दूसरा वाला पंखा साफ करवाओ। अरे ये क्या कर रहे हो? जमीन से पंखे की ऊंचाई नाप रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा, पंखा साफ कर रहा हूँ। तुम्हें झाड़ू दी थी ना, झाड़ू से क्यों नहीं करा? ये क्या अखबार से पंखा साफ कर रहे हो? झाड़ू से कैसे पंखा साफ होता है? और क्या, मेरे सर से साफ होता है? तुम हटो, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। चलो लाओ झाड़ू दो। पहले झाड़ू से ऐसे इसकी सारी मिट्टी उतार देते हैं, ठीक है, और फिर ये पोचा लेकर इस पर मार देना है ताकि एकदम साफ हो जाए। हो गया ना? अब हो गया एकदम मस्त चकाचक। शाबाश। तुम एक काम करो, तुम ना अब किचन के ड्रॉअर साफ कर लो, मैं जरा कपड़े समेट लेती हूँ। सफाई? तुम्हारा दिमाग सेंटर में है, किचन में तुम झाड़ू लगा रहे हो, खाना बनता है यहाँ पे। अभी जब मैं पंखा साफ कर रहा था तब तूने ही तो बोला कि झाड़ू से साफ करो। अरे तुम रहने दो यार, तुम एक काम करो, ये मुझे दो, तुम जाओ, तुम जाके वहाँ पे शीशे साफ करो, ये मैं कर लूंगी, चलो हटो। तो तू किचन साफ कर लेगी? हाँ हाँ मैं कर लूंगी, तुम जाओ। शीशा साफ कर रहा हूँ। तुम्हें अक्कल है कि नहीं है? ये देखो कपड़े के सारे रेशे इस पे चिपक रहे हैं। तुमने आज तक कभी शीशा साफ नहीं करा है क्या? अब यार शीशा कैसे साफ करते हैं? रुको मैं बताती हूँ। अरे ये फुसफुस लेके इस पे यूं 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 करके मार दो और फिर अखबार लेके सारा का सारा पोछ। ये क्या हुआ? अरे उठाओ तो, इतना सारा काम कर लिया, मैं कमरे में आई, मेरा पैर फिसल गया। ओ मेरा सर फटने को हो रहा है, बाथरूम साफ करना है, कपड़े धोने हैं, डस्टिंग करनी है, अलमारियां जचानी है, वो कौन करेगा इतना काम? सही बात है, कौन करेगा इतना सारा काम? अरे तुम करोगे और कौन करेगा? मैं? अरे मैं कैसे करूंगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है ना। अरे हाँ एक सेकेंड, तू रहने दे। अरे मेरा फोन दो उधर से। इसमें ना YouTube पे सर्च करना हाउ टू डू हाउस वर्क, वो सारा बता देगा कौन सा काम कैसे करना है। चलो टाइम वेस्ट मत करो, लगो काम पे। हाय राम मेरा सर। भैया 2.5 किलो प्याज बोली थी यार, दे दो। हाँ डार्लिंग, अरे बोला था ना बार बार फोन मत करो, बताया था तो बाहर आया हूँ। अरे दीपावली के साफ सफाई से मेरा क्या लेन देना है, एक काम करो, ज़्यादा दिक्कत हो तो काम वाली बाई को रख लो, चलो बाय। अरे अरुण ये तू अपनी बीवी से ऐसे उल्टी उल्टी बातें कर रहा था, मतलब उसको गुस्सा नहीं आएगा है? अरे छोड़ना यार, मतलब भाभी जी तो एकदम गाय है। तुम्हारी भाभी जी गाय है नहीं, गाय बनाई गई हैं, समझा तू? कंट्रोल कंट्रोल बनाया गया है दोस्त, आखिरकार मर्द है यार। और तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो सब्जियाँ ले रहा था। आलू 20 रुपये, प्याज 30 रुपये, जिंदगी इसी में कट जाएगी, वाह वाह। ओ भाई प्याज ना 80 रुपये किलो रेट चल रहा है,
कौन सी दुनिया में है तू? महंगाई आसमान छू रही है। भाई मेरा मतलब ये नहीं था, बीवी के पल्लू से बाहर निकल। ए बुड़बक, बता दे जाके मर दे तू। यार बोल तो दूं, पर वो मुझे बहुत मारेगी यार। भाई यही वक्त है, जाके विद्रोह कर दे। ये सब कामों के लिए नहीं बनाया तू, जा। भैया आधा केजी कद्दू दे देना। हाँ बीबी। कितना प्यारा है ये प्यार, प्यारा प्यारा। अरे मेरे सर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है भगवान, मैं तो मर जाऊंगी रे। सामान गए? नहीं लाया। नहीं लाए? सब्जी तो लेकर आए होगे, और बिस्किट, ब्रेड भी नहीं लाए? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इन सब कामों के लिए नहीं बना। हे भगवान तुम्हारा भला हो, घर में एक चीज नहीं है खाने को। मैं तो खा के बैठी हूँ, भूखे मरो सारी रात। अरे खाऊंगा क्या अब मैं? इन सब कामों के लिए नहीं बना ना। साले अरुण। हेलो। हाँ भाई बोल दिया। अबे तेरे चक्कर में एक तो मैं सब्जियां नहीं लेकर आया, ऊपर से सुबह से कपड़े धोए, बर्तन धोए, बाथरूम साफ किया, हालत खराब हो गई है। हाँ अब खाने को कुछ भी नहीं है। आज के बाद ना मुझे ये फालतू आइडियाज मत दिया करियो, मर्द बनो मर्द बनो मर्द बनो। फोन रख। सो सैड। कूड़े वाला भी बोनस आ रहा है दिवाली का। ये भगवान इस बार तो बहुत खर्चा हो गया। अरे सुनो मेरी बात, अब की बारी ना दिवाली पे हम वो झालर वाली लाइट लगवाएंगे, जो लुक जुक करती है ना बटन दबाने पे, वो वाली। और बालकनी पे लगाएंगे दिए वाली लाइट, ऐसे लगेगा सारी रात दिए जल रहे हैं पर होती वो लाइट है। सही कह रही है। ला फिर 10,000 रुपए दे दे। हाय राम, 10,000 रुपीज ओनली? नहीं देखे ना पूरे खानदान ने एक साथ इतने पैसे है? तो वही बातें करते हैं जो औकात के हिसाब से हो। तुझे पता है महंगाई आईफेल टावर छू रही है, और तुझे लुप झुप वाली लड़ियां लगवानी है घर में। एक काम कर, वो पिछले साल वाली दिवाली की लड़ियां रखी हुई है ना, वो लगाते हैं। ठीक है मैं वो लड़ियां निकालता हूँ, तू यहीं रह। अरे कितनी देर हो गई, अब जला दूं क्या? अरे रुक जाना, करंट लगवाएगी क्या? ओहो खुद करंट लगने का बहुत डर है तुम्हें, मुझे कह रहे थे स्विच बोर्ड साफ कर दे पोछे से। अच्छा बातें मत कर, जा अब जला। दोनों तारों को एक साथ लगाइयो स्विच में। हाँ ठीक है आई। जल गई? हाँ ठीक है। सही लग रही है। ये आधी क्यों जल रही है? अरे मुझे लगता है मैंने ना दोनों तार तो घुसाए थे पर उनमें से एक निकल गया, इसलिए आधी जल रही है। मैं बाकी तार लगा के आती। ए पागल है क्या तू, गोबर औरत। अबे लड़िया खराब है ये। खराब है यार ये लड़िया, खराब कैसे हो गई? अभी पिछले साल तो खरीदी थी। और ये भी बोला था तमीज से रखना इनको, कुचड़ मुचड़ करके रख देते हो सब खराब हो जाता है। हाँ तो कुछ काम खुद भी कर लिया कर, सारी चीजें मेरे ऊपर डाल देती है। चलना कोई बात नहीं, दिवाली का शगुन तो हो ही गया ना। अच्छा इस साल फिर मत खराब कर देना। चाय। थैंक यू। वो मैं क्या कह रही थी कि अब की बारी धनतेरस पे कुछ अच्छा ले लेते हैं, है? पिछली बारी की तरह चांदी का सिक्का दिला के टाल ना करना। नहीं नहीं बताओ क्या लेना है। ओ तो मैं बताती हूँ, सबसे पहले तो ना वो डिब्बा लेते हैं जिसमें खाना डालते के साथ ही गर्म नहीं हो जाता, क्या बोलते हैं उसे? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव वही लेते हैं, मेरे को गैस भी नहीं चलानी पड़ेगी। और ना वो ऑटोमेटिक वाली वॉशिंग मशीन ले लेते हैं जिसमें कपड़े डल भी जाते, धुल भी जाते और सूख भी जाते हैं, बस उनको रस्सी पे टांगना होता है, मेरा काम कितना आसान हो जाएगा। ठीक है और कोई फरमाइश हो तो वो भी बता दे। हाँ मैं क्या सोच रही थी कि तुम्हारी बहन के बच्चे जब भी गर्मियों की छुट्टियों में आते हैं ना तो हर वक्त ना उनकी एक ही शिकायत होती है, मामी आपका डब्बा टीवी, आपका डब्बा टीवी। तो अब की बारी वो बड़ा वाला टीवी ले लेते हैं ना जो दीवार पे चिपक जाता है, पेंटिंग की तरह सब कुछ उसमें एकदम साफ साफ दिखता है। हाँ LED टीवी लेते हैं, वो भी बड़े वाला 55 इंच का है ना। ले ले। ओह तो बताओ सबसे पहले क्या लेने चलना है? सबसे पहले लोन लेते हैं। तुम मजाक कर रहे हो? मजाक कर रहा हूँ मैं? हाँ तेरे बाप ने मुझे पैसों का पेड़ दिया था ना दहेज में कि दामाद जी इसमें से नोट तोड़ना और मेरी बेटी की ख्वाहिशें पूरी करते रहना। ऐसा है
हर बात पे ना मेरे बाप को बीच में मत लाया करो। शादी से पहले तुम्हारी माँ ने भी बोला था हमारा बेटा लाख रुपए कमाता है। मुझे क्या पता था तुम्हारी जिंदगी भर की जमा पूंजी है लाख रुपए। पहले ना मैं कमाता था लाख रुपए, लेकिन जब से तुझसे शादी हुई है ना तब से भिखारी हो गया हूँ। कुछ बचता नहीं है महीने के एंड में मेरे पास। हाँ, लाख रुपए तो तुमने मेरे ऊपर खर्च कर दी ना। लगता किया हार दिला दे तुमने मुझे, दिवाली पे वही पहनूंगी। तेरे ऊपर करोड़ों रुपए भी खर्च कर दूंगा ना तो भी तेरा थोबड़ा ऐसा ही रहेगा। तुझे ना प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है, समझ गई? चल निकल अब यहाँ से। मैं क्या कह रहा हूँ कि धनतेरस है, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, तो कुछ ले ही लेते हैं। क्या लेना है फिर? देख, इस बारी ना थोड़ा बजट हिल गया है तो चांदी का सिक्का ही ले लेते हैं। अगले साल कुछ अच्छा ले लेंगे। ₹12,000 का राशन, अगले महीने से राशन कम लाना पड़ेगा। एक तो ये दिवाली हर साल आ जाती है, ये नहीं कि 2-3 साल में एक बार ही आए। अरे सुनो, आओ चलो मेरे साथ एक बार बाजार तक। चलो ना। क्यों, तेरे पैरों में मेहंदी लगी हुई है, खुद चली जा। तुम्हें पता भी है बच्चे कैसे पटाखे छुटा रहे नीचे? कल शर्माइन की साड़ी जल गई। क्या, शर्माइन की साड़ी जल गई? भाई राम, चल देख कर आते हैं उसको। शर्माइन की बहुत चिंता है तुम्हें, मुझे कुछ हो गया तो? क्या मेरा मतलब है, चला चलते हैं मार्केट। चलो भैया, ये काजू कतली कितने की है? 770। और ये डोडा बर्फी? 450। रसगुल्ले पूछो ना। रसगुल्ले क्या करेगी है? जो शर्माइन के यहाँ से मिठाई आएगी वो वर्माइन को दे देंगे, और जो वर्माइन के यहाँ से आएगी वो मिश्राइन को दे देंगे, है ना? हाँ, क्या सही आइडिया है। लेकिन किसी के यहाँ से कुछ अच्छा आ गया तो एक काम करते हैं, 5 डब्बे सोन पापड़ी के ले लेते हैं, है ना? किसी के यहाँ से कुछ अच्छा आया तो सोन पापड़ी पकड़ा देंगे उसको। हाँ, तुम कितने ज्ञानी हो। 5 डब्बे सोन पापड़ी के दे दो। हाँ, और ना ये भी दे दो। ये नहीं देना, इसको रख दे, चल। सिर्फ सोन पापड़ी हो गया ना तेरा मिठाइयों का काम। हाँ। ये ले ली सोन पापड़ी। हाँ। अब सीधा घर चल रहे हैं। अरे अभी तो पूजा का सामान भी लेना है। यार तू पागल है क्या? पूजा पूजा का सामान में मत फंसवा मुझे। तुम ना हर बार ये। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। तुम्हें पूजा का सामान लेना था ना, ये लो, ये पकड़ो और तुम जाओ। तो तुम भी तो चलो। अरे चल रहा हूँ ना, ये पकड़। तू पूजा का सामान ले, ला रहा हूँ। हाँ बता, क्या हाल है? सब बढ़िया। ये बता, दीपावली के दिन का क्या प्लान है तेरा? क्या प्लान है, बच्चा थोड़ी जो पटाखे फोड़ूंगा, घर पे ही हूँ। अरे यार मैं भी बच्चों वाली बात नहीं कर रहा हूँ, फ्लैट पे आ, पैग मारते हैं, पत्ते खेलते हैं, एंजॉय करते हैं ब्रो। पागल है क्या तू? मेरी बीवी को पता लगा ना, मेरे को तो जान से मार देगी। तू एकदम फट्टू रह जाएगा यार, भाभी जी को बताना क्यों है? कंट्रोल ब्रो, कंट्रोल। अच्छा मुझे एक बात बता कि तू ऐसे अपने घर पे दिवाली के दिन ऐसे दारू पिएगा, ऐसे पत्ते खेलेगा, तेरी बीवी गुस्सा नहीं करेगी? नहीं, पूजा करेगी, एक रूम में पड़ी रहेगी, हम लोग लाइफ को एंजॉय करेंगे, तार बिजली से पत्ते भी हमारी पिया। चल ठीक है, मैं ना पूजा के बाद ना कोई बहाना मार के आ जाऊंगा तेरे पास, ठीक है? अभी मैं जाता हूँ वरना उसको पता लग जाएगा। ओके बाय। हाँ बेबी। हाँ समोसे पैक करा लिया है। बेबी कर ले क्या पूजा? क्या हो गया, 7:30 बजे का मुहूर्त है, तुम्हें क्या जल्दी हो रही है? नहीं कुछ नहीं, कब तक करेंगे? क्या है इधर उधर डोल रहे हो, कुछ है नहीं तुम्हारे पास करने को? जाओ जाके कोई काम ढूंढो, दिखता नहीं मैं रंगोली बना रही हूँ। अरे यार गेट बंद करके तू रंगोली बना रही, कोई भी गेट खोलेगा रंगोली खराब हो जाएगी तेरी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, फिर से बनाती हूँ। जल्दी बना, जल्दी पूजा करते हैं फिर। अरे रंगोली तो बिगड़ी नहीं गेट खोलने से। अरे रंगोली तो बिगड़ी नहीं थी, मैंने झाड़ू की मार दी। चलो कोई नहीं, दोबारा बना लूंगी। अरे कहाँ गए? कर ले पूजा। पूजा तो कर लेंगे, पहले तुम दियो में तेल डालो। हाँ डाल देता हूँ। ठीक है चलो अब कर लेते हैं पूजा, है ना? ओह जय गणेश जी। जैसी दिवाली सबकी आई है वैसी दिवाली हमारी आई, और जैसी दिवाली हमारी आई है वैसी दिवाली हर साल सबकी आए। क्या कर रहे हो, आरती कौन करेगा? आरती तो करनी होती है। जय गणपति बप्पा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। बस
हो तो गई। और लक्ष्मी जी की आरती? ओ लक्ष्मी मैया, माफ करना, लक्ष्मी मैया की भी तो आरती होती है। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। ठीक है, हो गई, मैं चलता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, कहाँ जा रहे हो? ये दिए कौन रखेगा छत पे? मैं रखूंगा, मैं ही तो रखूंगा, और कौन रखेगा? मैं रख के आता हूँ जल्दी फटाफट से। ठीक है, ओके। हेलो देवी प्रसाद भाई, हेलो कबीर राज भाई, हेलो बाबू राव भाई। अरे कौन सा ब्रांड पिएगा तू? ओ भैया सुन, मैंने ना दिए जला दिए और दिवाली की पूजा भी हो गई है, अब मैं निकलता हूँ। अरे अरे, मेरा फोन किधर है? अरुण का फोन आया था। अरे हाँ यार, बहुत लेट हो गया। कह रहा था कौन सा ब्रांड पियोगे। अरे तो उसको बोलना था ना कि रेड लेबल। चखना नहीं लेके जाओगे? अरुण सिखा रहा है तुम्हें ये सब? ये आदमी बिना पिटे एक काम नहीं करता है। अभी धनतेरस पर इतना मारा ना, तब जाके माइक्रोवेव दिलाया है। अच्छा, आपने धनतेरस पे माइक्रोवेव लिया है? हमने तो ऑटोमेटिक वाली वॉशिंग मशीन ली है। ऑटोमेटिक मशीन? नहीं तो कुछ लोग तो दिवाली पे चांदी का सिक्का लेके खत्म करते हैं। मैंने भी चांदी का सिक्का दिलवाया है। मैंने भी। और ये सूट कहाँ से लिया है आपने? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आई थिंक सूरत से, एक रिंग रोड वाला एरिया ना वहाँ से। ये पार्टी किसके घर पे होने वाली थी? वरुण के घर पे। तो मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने मुझसे झूठ बोला, मैंने तुझसे झूठ बोला। और बताओ मम्मी, और क्या कर रहे हो? बेबी धोने जा रहा था। हम इनके घर पर आए हैं। मैं धो देता हूँ। पतियों को ना थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ता है। गोविंदा। हे गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स में बताओ अपना बेस्ट पार्ट और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, फैला दो। और अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना ताकि आगे जितनी भी वीडियोज आए उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो, उस पर मैं छोटे छोटे फनी वीडियोज बनाता रहता हूँ, तो वहां जाओ, जाकर मेरी वीडियोज देखो, बहुत मजा आएगा। और फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। बाकी प्यार बनाए रखो, सोरा का चैनल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, उसको जाके सब्सक्राइब करो। बाकी लव यू, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय बाय।